हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एन की 5.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक तथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे मैं इससे पहले भी डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ओवर साइन एक्स इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो देखिए यहां पर कौन सा रूल लगेगा कोशेंट रूल और कोशेंट रूल क्या है? इक्वल टू यहां देखिए जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लिखेंगे मतलब क्यू एक्स जो है उसका स्क्वायर फिर क्यू एक्स को लिख देना है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो जो न्यूमिनेटर पहले था उसकी डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इज लिखना है मल्टीप्लाई करना है क्यू एक्स की डिफ्रेंशिएशन के साथ तो देखिए क्वेश्चन रूल क्या होगा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे यहां पर फिर डिनोमिनेटर को एलजीटी जी लिख देना है न्यूमिनेटर में और मल्टीप्लाई करना है जो पहले से न्यूमिनेटर था उसकी डिफरेंसिएशन के साथ बाद में माइनस करेंगे इसको LGTG यहां लिखना है और इसकी ऐसे तो देखिए अब इस क्वेश्चन की डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे और न्यूमिरेटर में इसको इट इज लिख देना है फिर डेरिवेटिव करनी है जो न्यूमिरेटर है ई एक्स फिर माइनस ई एक्स को एजिटीज लिखना है मतलब न्यूमिरेटर को इज लिखेंगे फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो डिनोमिनेटर था यहां पर है साइन एक्स अब हम जैसे फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से साइन एक्स इसकी डेरिवेटिव ई एक्स की डेरिवेटिव होती है ई एक्स माइनस ई एक्स इन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी कोस एक्स और ये है साइन स्क्वायर और ये आ गया इसकी डिफरेंशिएशन और यही हमारा आंसर होगा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स एक्स तो हमें सबसे पहले जो हमने देखिए फॉर्मूला यहां पर लिखा था एक्सपोनेंशियल मतलब ई e एक्स की डिफ्रेंसिएशन एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा जो होता है एज इट इज ई एक्स की डेरिवेटिव ई एक्स होती है उसके बाद यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स का जो होगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट तो यहां देखें फिर एफ डैश एक्स कितना आएगा सबसे पहले जो सबसे पहले फंक्शन हमने डिफ्रेंशिएट करना है उसको मतलब जो सबसे बाहर है तो यहां पर है एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव वही होती है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ई पावर साइन इनवर्स एक्स अब आगे एक्सपोनेंशियल को हटा देंगे जब एक्सपोनेंशियल हटेगा तो क्या बचेगा साइन इनवर्स एक्स अब लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन उसके बाद अगले स्टेप में जहां तक डिफरेंशिएशन हो चुकी है वो वैसे ही लिखना है तो यहां आएगा e पावर साइन इनवर्स x इन टू अब sin x की डिफरेंशिएशन तो वो आएगी देखिए यहां से वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वे अंडरवूड अब यहां पर x बचा अब साइन इनवर्स हट जाएगा इनवर्स इग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाएगा सिर्फ x बचेगा उसकी डेरिवेटिव वो आएगी वन सपोज करिए यहां पर एक्स के बजाय अंडर रूट एक्स होता तो अंडर रूट एक्स की डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होना था जो आनी थी वन ओवर टू अंडर रूट एक्स तो ये क्वेश्चन यहीं तक होगा इसका आंसर आएगा ई पावर साइन इनवर्स एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये इसका आंसर है हमारा अगला क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू ई पावर एक्स क्यूब तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिए एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन तो वही होती है अब हर बार की तरह फॉर्मूला वही रहेगा जिसकी डेरिवेटिव हो चुकी है वो हट जाएगा मतलब एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव हो चुकी है तो बचेगा क्या एक्स क्यूब और उसकी डेरिवेटिव के लिए लिख देंगे फिर ई पावर एक्स क्यूब इसकी डेरिवेटिव हो चुकी है तो ऐसे ही रहेगा अब एक्स क्यूब की डेरिवेटिव थ्री एक्स जाएगा थ्री एक्स क्यूब। अब देखिए यहां पर अगले क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है तो यहां सबसे बाहर फंक्शन है साइन उसके बाद एंगल में है टेंजेंट इनवर्स ई पावर माइनस माइनस एक्स यहां पर एंगल में टेंजेंट इनवर्स के आगे इसका एंगल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स है मतलब ई पावर माइनस एक्स है तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इसकी डिफ़रेंशिएशन करेंगे तो यहां पर होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा साइन के लिए तो ये आएगा कोस ऑफ ये एज इट इज लिखा जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स फिर जिसकी डेरिवेटिव हो चुकी है वो हट जाएगा मतलब यहां साइन हट गया बाकी बचा टेंजेंट इन्वर्स ई पावर माइनस एक्स अब अगले स्टेप में हम टेंजेंट इनवर्स के आगे ये एंगल है तो टेंजेंट इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे और टेंजेंट इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर तो यहां से देखिए f डैश एक्स क्या मिलेगा हमें यहां तक एज इट इज रहेगा कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई पावर माइनस एक्स इन टू इसकी डेरिवेटिव वन ओवर अब यहां देखिए यहां एक्स है तो यहां एक्स लिखा लेकिन यहां एक्स की जगह ई पावर माइनस एक्स है तो यहां पर हम इस एक्स की जगह लिखेंगे ई पावर माइनस एक्स और स्क्वायर एज इट इज चलेगा अब देखिए टेंजेंट की डेरिवेटिव हो चुकी है तो बचा क्या अगले स्टेप के लिए बचेगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स यहां पर इसकी डेरिवेटिव बची हुई है तो यहां से लेकर यहां तक एज इट इज लिखेंगे उसके बाद इसकी डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे तो यहां तक एज इज लिखा मैंने क्योंकि ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया तो ऐसे हो जाएगा अब इसकी डेरिवेटिव क्योंकि एक्सपोनशियल का जो फंक्शन होता है उसकी डेरिवेटिव एज इट इज होती है हमने ये फॉर्मूला पहले भी यूज किया है डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स वैसे ही रहेगी लेकिन अब ई e हट जाएगा एक्सपोनेशियल हटेगा तो बचेगा क्या माइनस एक्स और इसकी डेरिवेटिव अगले स्टेप में जो आएगी माइनस एक तो मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको माइनस एक अब इस माइनस को हम यहां ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा फिर माइनस ई पावर ये पहले लिख दिया आगे कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में रहेगा वन प्लस ई पावर माइनस एक्स और यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू लोग फॉर्मूला सबसे पहले यूज होगा डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स जो होता है वन ओवर एक्स मतलब लोग जो कुछ भी लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा फिर स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन होती रहेगी तो एफ डैश एक्स कितना आएगा वन ओवर एक्स एक्स यहां पर ये सारा है कोस ई एक्स कोस एक्स इनटू अब देखिए हमने लोग की डेरिवेटिव कर ली है तो लोग हट जाएगा बचेगा क्या कोस ई एक्स तो अगले स्टेप में जिसकी डेरिवेटिव हो चुकी है वहां तक एज इट इज लिखना है इनटू अब कोस ई e एक्स मतलब इस सारे को अगर हम एक्स माने तो कोस की डेरिवेटिव क्या होती है कोस एक्स की माइनस साइन एक्स एक्स यहां पर ई पावर एक्स है तो ऐसे लिखा जाएगा इन टू फिर डेरिवेटिव ऑफ अब देखिए कोस हट जाएगा तो बचेगा क्या ई e एक्स अब अगले स्टेप में इसकी डेरिवेटिव होगी तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस ये पहले लिख रहा हूं मैं साइन ई एक्स ओवर कोस ऑफ ई एक्स इन इसकी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की वो ही रहती है फिर x की डेरिवेटिव तो अगले स्टेप में देखिए ये क्या बचेगा माइनस साइन एंगल यहां पर और यहां पर एक जैसा है तो इसको लिखेंगे टेंजेंट एक्सपोनेंशियल एक्स ई एक्स, एक्स और ई e एक्स को मैं सबसे पहले लिख देता हूं ई e एक्स और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई ई पावर पावर सो एक्स पावर फाइव तो इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखिए बीच में है सम तो हर स्टेप की डेरिवेटिव अलग अलग से होगी ऐसे फिर ई पावर एक्स स्क् प्लस सो ओन डेरिवेटिव ऑफ पावर e x पावर फाइव अब इसकी डेरिवेटिव, e x की डेरिवेटिव e x ही होती है प्लस जब भी फंक्शन एक्सपोनशियल का है तो एज इट इज ही डेरिवेटिव होगी लेकिन इस बार यहां पर इसकी डेरिवेटिव वन आई थी तो इसलिए वन लिखना पड़ा यहां पर अब डेरिवेटिव होगी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने के साथ प्लस सो so ऑन इसकी डेरिवेटिव एज इट इज रहेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इन अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हट जाएगा ये ई e हटेगा तो बचेगा एक्स पावर फाइव तो लास्ट स्टेप रहेगा हमारा टू एक्स आएगी इसकी डेरिवेटिव तो टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सो ऑन ई एक्स पावर फाइव और इसकी डेरिवेटिव फाइव एक्स पावर फोर क्योंकि पावर बाहर आती है एक पावर कम हो जाती है और लिख देते हैं तो लास्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद ये लिख देते हैं टू एक्स आगे लिख देता हूं मैं ई एक्स स्क्वेयर प्लस सो ओन फाइव एक्स पावर फोर ई एक्स पावर फाइव और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई पावर अंडर रूट एक्स तो यहां पर सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है पावर फंक्शन मतलब एक्स एन जिसकी डेरिवेटिव होती है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन जो रूट है तो सबसे पहले रूट आएगा बाहर मतलब ये पावर होती है वन बाई टू तो वन बाई टू बाहर लिखेंगे जो यहां पर लिखा गया है e पावर अंडर रूट एक्स उसकी पावर अब एक घट जाएगी तो माइनस वन बाई टू रहेगी कैसे वन बाई टू माइनस वन ये रहेगी माइनस वन बाई टू यहां मैंने यहां पर यही लिखा है इंटू डेरिवेटिव ऑफ अब इस अंडर रूट को हटा के जो बचेगा e पावर अंडर रूट एक्स तो ये बचेगा ऐसे लिखा अगले स्टेप में इसकी डेरिवेटिव होगी तो ये आएगा वन बाई टू इसको ये माइनस लिखा है तो मैं रूट को नीचे ले जाता हूं अंडर रूट एक्स अब अंडर रूट जब नीचे जाएगा तो ये प्लस आएगा प्लस का मतलब ऐसे इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया इसके बाद देखिए ई पावर अंडर रूट एक्स तो ई जब भी एक्सपोनशियल आए उसकी डिफ्रेंसिएशन एज इट इज रहेगी अब यहां तक डेरिवेटिव हो चुकी एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो डेरिवेटिव किसकी रहेगी रूट एक्स की तो अगले स्टेप में देखिए अब यहां पर देखिए ये करनी है हमने ई e की पावर रूट एक्स इस सारे की पावर वन बाई टू है और यहां पर इस सारे की पावर वन है तो इसको अगर हम न्यूमिनेटर में ले जाएं तो ये ऐसे रहेगा ऐसे और फिर हाफ यहां पर यह मैंने यहां पावर इसकी आधी कम कर दी है क्योंकि यह जो लिखा है इसकी पावर एक है तो एक माइनस हाफ हाफ पावर बचेगी इन टू इसकी डिफरेंशिएशन हमें आती है पावर बाहर हाफ बाहर आ गया एक पावर कम कर दी तो पावर रह गई हाफ उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दिया और फिर एक्स की डिफरेंसिएशन वन फोर अंडर और ये ऐसे ये आंसर आ गया देखिए और एक बात और क्लियर कर लीजिए यहां पर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया था यहां पर डिनोमिनेटर में ले जाने की जरूरत नहीं थी अगर ये न्यूमिनेटर में ही रहता जैसे यहां पर तो इसकी पावर ई पावर अंडर और यहां पर ई e पावर अंडर यहाँ माइनस है यहां पर प्लस वन है तो ये दोनों इकट्ठे जब होते तब भी ऐसे ही मिलना था हमारा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू लोग फॉर्मूला हमारे पास हमने पहले से पढ़ के रखा है लोग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन ओवर एक्स यहां पर भी वही लगेगा एफ एक्स इज इक्वल टू इस लोग की डिफ्रेंसिएशन होगी तो इसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वन ओवर लोग एक्स इन अब इसकी डिफ्रेंस हो चुकी लेकिन ये बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स ऐसे अगले स्टेप में देखिए इसकी डेरिवेटिव आएगी तो इसकी डेरिवेटिव होगी लोग एक्स की मैंने बताया था वन बाई एक्स इसकी डेरिवेटिव लिख देंगे यहां पर ई एक्स और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें वन ओवर एक्स लोग एक्स और यही इसकी डेरिवेटिव है आंसर आ गया हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोश एक्स ओवर लोग एक्स तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन टूल लगेगा क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है जैसे अगर हमें दिया हो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ओवर क्यू एक्स तो एफ डैश एक्स क्या आएगा ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर को इज लिखेंगे न्यूमिनेटर में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमिनेटर होगा उसकी डिफ्रेंसिएशन के साथ फिर माइनस न्यूमिनेटर को इज लिखना है और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर भी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स देखिए इसको अप्लाई करना है मतलब जो यहां पर लिखा गया है उसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी है उसका स्क्वायर करना है यहां पर अब ऊपर ऐसे ही लिख देना है लोग एक्स इन अब लिखना है डिफ्रेंसिएशन न्यूमिनेटर जो है कोस एक्स फिर माइनस अब माइनस में देखिए पी एक्स था मतलब जो न्यूमिनेटर में है यहां पर देखिए लोग एक्स डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स आया अब स को एज इट इज लिखेंगे फिर डिफ्रेंसिएशन आएगी लोग एक्स की तो न्यूमिनेटर में बारी बारी से दोनों की डिफ्रेंसिएशन हो रही है पहले लोग एक्स को लिखा डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है फिर इसको ऐसे ही लिख देना है और मल्टीप्लाई करना है लोग एक्स के साथ देखिए यहां पर माइनस है क्वेश्चन में माइनस लगता है तो डिनोमिनेटर से कुछ नहीं मिलेगा हमें जो है वैसे का वैसा ही लोग एक्स इंटू कोश एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स फिर माइनस कोस एक्स ऐसे आएगा लोग एक्स की डिफ्रेंसिएशन होगी हमें पता है फॉर्मूला वन बाई एक्स अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्स को यहां से हटाना है तो हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एक्स हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा फिर जब इसके साथ यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स कट जाएगा यहां से सिर्फ cos x और ये एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स लोग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस यहां से हमें कोस एक्स मिलेगा और यहां एक्स एक्स होल स्क्वायर और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन टू कोस ऑफ लोग एक्स प्लस ई पावर एक्स तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन के लिए सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है कोस एक्स मतलब यहां से यहां तक जो है वो उसको एक्स ट्रीट करेंगे तो cos एक्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस साइन एक्स मतलब ये इज लिखा जाएगा लोग एक्स प्लस ई पावर एक्स इन टू अब देखिए कोस की डिफरेंशिएशन हो चुकी है तो cos हट जाएगा हमारे पास ये बचेगा लोग एक्स प्लस ई एक्स तो अगले स्टेप में यहां तक इज लिखना है इन टू अब इसकी डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप पहले इसकी करेंगे फिर इसकी क्योंकि ये सम ऑफ टू फंक्शन है तो लोग एक्स की डेरिवेटिव ऐसे लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स तो यहां से यहां तक एज इट इज रहेगा माइनस साइन लोग एक्स प्लस ई पावर एक्स इनटू एक्स की डेरिवेटिव देखिए वो होती है वन ओवर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव ई एक्स ही होती है और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस एक्स को यहां से खत्म कर सकते हैं यहां आ जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स इंटू ई एक्स प्लस वन ओवर एक्स और ये यहां से एज इज लिखा जाएगा साइन ऑफ लोग एक्स प्लस ई एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम से मिल सके धन्यवाद